एंड्रॉइड ऐप्स को अपने पीसी पर कैसे रन करें विदाउट एमुलेटर। गाइज अगर आप यूट्यूब पर सर्च कर करके थक चुके हैं लेकिन अभी तक आपको एक ऐसा तरीका नहीं मिला है जिससे आप बिना किसी एमुलेटर के अपने पीसी पर एंड्रॉइड ऐप्स को चला सके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आया हूँ जिससे आप एंड्रॉइड ऐप्स एंड गेम्स को डायरेक्टली अपने पीसी पर चला सकते हैं। गाइज यकीन मानिए एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। गाइज एंड्रॉइड ऐप्स को रन करने के लिए आपको अपने पीसी में कुछ सेटिंग्स अप्लाई करनी होगी जिनके बिना आप एंड्रॉइड ऐप्स का यूज नहीं कर सकते। तो देखिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है विंडोज फीचर्स। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, इसे आपको ओपन करना है। आपके सामने विंडोज के कुछ फीचर्स ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम इनेबल करेंगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, इसे आपको चेकमार्क करना है। इसके नीचे आपको एक फीचर मिलेगा विंडोज हाइपरविजर प्लेटफॉर्म, इसे भी आपको चेकमार्क करना है। एंड यहाँ पर नीचे आपको एक और फीचर मिलेगा विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स, इसे भी आपको इनेबल करना है और ओके पर क्लिक करना है। कुछ इस तरह से सर्चिंग होगी और आपकी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। सेटिंग्स अप्लाई होने के बाद ये आपसे अपने पीसी को रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, तो एक बार अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है जिससे सभी फीचर्स इनेबल हो जाएंगे। तो सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, अब हम अपने पीसी में एंड्रॉइड ऐप्स को रन करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। ब्राउजर पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है WSF Builds, ये आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये वेबसाइट मिलेगी github.com, इस वेबसाइट को आपको सिंपली ओपन करना है। वेबसाइट को ओपन करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर देखिए गाइस आपको एक फाइल डाउनलोड करनी है जो आपको एंड्रॉइड ऐप्स को रन करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर देखिए विंडोज 11 के कुछ वर्जन है और विंडोज 10 के कुछ वर्जन है। अगर आपके पास विंडोज 10 और विंडोज 11 है तो आप एंड्रॉइड ऐप्स को अपने पीसी पर चला सकते हैं बिना किसी एमुलेटर के। अगर आपके पास विंडोज 7 या विंडोज 8 है तो आपके पीसी में ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए गाइस आपको काफी सारे वर्जन देखने को मिलेंगे लेकिन आपको स्टेबल वर्जन डाउनलोड करना है। अगर आप विंडोज 11 का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड अगर आप विंडोज 10 का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर नीचे आपको एसेट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस फाइल को सेव कर लेना है जहाँ पर इसे सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखिए हमने जो फाइल डाउनलोड की है वो जिप फाइल में है। तो इसे ओपन करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जिसका नाम है विनरार। अगर ये सॉफ्टवेयर आपके पीसी में पहले से है तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पीसी में ये नहीं है तो आपको ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है विनरार डाउनलोड, ये आपको सर्च करना है। सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दो तरह के सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे, 64-bit एंड 32-bit। तो आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इसे हम सेव कर लेंगे। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है, इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए जितने भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्टेड है वो एज इट इज आपके पीसी में होना चाहिए, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है और डन कर देंगे। तो जैसे हमने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फाइल का आइकन बदल गया है। अब आपको इस फाइल पर राइट क्लिक करना है, विनरार में आपको जाना है और एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर क्लिक करना है, ओके पर आपको क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर सेम नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, इस फोल्डर को आपको ओपन करना है। इसके अंदर एक और फोल्डर होगा जिसे आपको ओपन करना है। जैसे आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फाइल्स मिलेगी, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक फाइल देखने को मिलेगी रन नाम से, इस फाइल पर आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। कुछ इस तरह की प्रोसेस आपके पीसी में होगी, इसे आपको कंप्लीट करना है।
प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके सामने ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको इसे क्लोज कर देना है। गाइज अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब है। आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। ऑल एप्स में आपको जाना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गाइज, ये वही प्ले स्टोर है जिसका यूज आप अपने मोबाइल में करते हैं, और इस प्ले स्टोर का यूज करके आप किसी भी एंड्रॉइड ऐप को अपने पीसी पर इंस्टॉल कर सकते हैं जिस तरह से आप अपने मोबाइल में करते हैं। तो प्ले स्टोर को हम ओपन करेंगे। प्ले स्टोर हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपके पास साइन इन करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आपको पासवर्ड एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से आपके पीसी में प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप किसी भी एंड्रॉइड ऐप को अपने पीसी पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ व्हाट्सएप बिजनेस। गाइज नॉर्मल व्हाट्सएप तो आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर भी देखने को मिल जाएगा और वो इजीली आपके पीसी में चल भी जाता है, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जिसे हम अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना है। इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद आपके पास ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारे मोबाइल में लॉगिन पेज आता है उसी तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरह से आप अपने पीसी में किसी भी एंड्रॉइड गेम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्ले स्टोर के सभी गेम्स देखने को मिल जाएंगे, तो जिस गेम को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना है और वो गेम आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप इसे प्ले कर सकते हैं जिस तरह से आप अपने मोबाइल में करते हैं। गाइस जिन एप्स या गेम्स को आप इंस्टॉल करेंगे उन्हें देखने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। ऑल एप्स में आपको जाना है और यहाँ पर आपको वो गेम्स देखने को मिल जाएंगे। इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब चलिए मैं आपको इस गेम को प्ले करके दिखाता हूँ। तो प्ले पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। तो जिस तरह से आप अपने मोबाइल में गेम प्ले करते हैं उसी तरह से आप अपने पीसी में भी कर सकते हैं, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह से आप अपने लैपटॉप या पीसी में किसी भी एंड्रॉइड ऐप या गेम का यूज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एमुलेटर को इंस्टॉल करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।